An Academy. Let's crack it. पहला क्वेश्चन जो दो तीन बार आया हुआ है, एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एविडेंशरी वैल्यू ऑफ एन एफआईआर। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग ऑल, गॉड ब्लेस। फौजिया गुड इवनिंग, वेलकम फ्रॉम पाकिस्तान। नाउ दिस क्वेश्चन हैज कम मेनी टाइम्स एंड ऑल्सो दिस क्वेश्चन हैज अकर्ड मेनी टाइम्स इन द इंटरव्यू। सो एक एफआईआर की एविडेंशरी वैल्यू क्या है? 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया। नाउ प्लीज रिमेंबर, एफआईआर इज नॉट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स विद एफआईआर, आफ्टर एफआईआर। दैट इज व्हाई इट इज नॉट हिट बाय सेक्शन 162 सीआरपीसी। 162 सीआरपीसी सेज दैट एनी स्टेटमेंट टेकन बाय द पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग। तो एफआईआर ड्यूरिंग नहीं है, इनफैक्ट एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। सो दैट इज व्हाई एनी एफआईआर इज नॉट हिट बाय 162। इसका मतलब क्या होगा? 162 सीआरपीसी सेज दैट एनी स्टेटमेंट टेकन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस कैन बी यूज्ड ओनली फॉर कॉन्ट्राडिक्शन पर्पसेस। इन अदर वर्ड्स, हम आपके स्टेटमेंट को कॉरोबोरेट नहीं कर सकते। What does it mean in practical way? Suppose I am the person who has lodged an FIR, or I am a person who has given a 161 ka statement. Tomorrow court can't say ki jo usne 161 mein kaha tha wohi usne abhi court ke samne under oath kaha, to wo sach bol raha hoga. So that means this is called corroboration. So we cannot corroborate jo aapne police ke samne jo bhi statements diye, unko corroborate nahi kiya ja sakta. Why? There is a specific bar by section 162. Corroboration हम कहाँ करते हैं? Evidence Act में, section 157 में। तो हम दो चीजें कर सकते हैं। आपका जो previous statement होता है, उसको हम contradict भी कर सकते हैं, उसको हम corroborate भी कर सकते हैं। So we can contradict or corroborate your statements. Now there is a specific bar that any statement which the police takes, the IO takes, cannot be corroborated. But an FIR is not a statement taken by a police during investigation. Hence, first point, the FIR can be used both for corroboration as well as contradiction. Ye prelims mein bhi question aaya hua hai. So please be very careful on this. FIR kyunki statement taken by a policeman during investigation nahi hai. So it is not hit by section 162. An Academy. Let's crack it.